वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड ग्रेट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज 51 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज में जितने भी अनुवाद होते हैं उनमें से ज़्यादातर का प्रयोग हम अपने बोलचाल में करते हैं। इट मीन्स जब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, लॉजिक भी बताता हूँ। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। पहला अनुवाद है, भारत की संस्कृति पुरानी है। सबसे पहली बात आप ये देखो कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, भारत की संस्कृति। बट इस सब्जेक्ट में जो मेन फोकस है वो किस पे है, संस्कृति, इट मीन्स कल्चर। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल्चर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उन्हें सिंगुलर माना जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में है लगा हुआ है तो वर्ब कौन सा प्रयोग करेंगे, इज। दूसरी बात क्या है कि भारत की संस्कृति, इसे जब आप पॉजेसिव केस का रूप देंगे तो आप केवल ऑफ लगाकर इसे ही पॉजेसिव केस का रूप दे सकते हैं। रीजन ये है कि भारत की संस्कृति ये क्या है, गैर पुरानी बोधक है, इससे किसी सजीव का बोध नहीं होता, किसी व्यक्ति या पशु का बोध नहीं होता है। सो जब इसे हम पॉजेसिव केस का रूप देंगे तो ऑफ लगाकर इसे पॉजेसिव केस का रूप देंगे, ठीक है। अब आपका अनुवाद है, भारत की संस्कृति पुरानी है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, द कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद वर्ब सिंगुलर इज, उसके बाद कंप्लीमेंट ओल्ड, ठीक है। अब है, यह अभी तक जिंदा है और जिंदा रहेगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी तक, टिल नाउ पहले लिख लेंगे, ठीक है, टिल नाउ। अब आप देखो क्या बचा, यह जिंदा है तो क्या हो जाएगा, इट इज अलाइव, ठीक है, इट इज अलाइव, और जिंदा रहेगी, एंड विल बी अलाइव। अब आप बोलोगे कि यहां पर मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, एंड इट विल बी अलाइव। इसका रीजन ये है कि इसका प्रयोग हम बोलचाल में करते हैं और जब इतना लंबा बनाया गया सेंटेंस को बार बार सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे तो बोलने में थोड़ा सा भद्दा लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने बनाया कि इट इज अलाइव एंड विल बी अलाइव, ठीक है। ये पुस्तकें मेरी हैं, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, दीज बुक्स, सब्जेक्ट प्लूरल है बुक्स, ठीक है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा आर। अब आप देखो कि यहाँ पर मेरी के बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, तब इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, माइन, दिस बुक्स आर माइन। क्या तुम्हारे घर की दीवार मजबूत नहीं है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे घर की दीवार, और सेंटेंस में देखो शुरू में क्या लगा हुआ है और फिर नहीं भी लगा हुआ है, इट मीन्स ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, वाक्य अंत में है लगा हुआ है तो हम इज प्रयोग करेंगे, तो इज प्लस नोट क्या हो जाएगा, एजेंट। तो सेंटेंस की शुरुआत हम एजेंट से करेंगे, ठीक है। अब एजेंट लिखने के बाद पहले आपको सब्जेक्ट देना है, तुम्हारे घर की दीवार, द वॉल ऑफ योर हाउस। अब सब्जेक्ट के बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट है लिख देंगे, मजबूत स्ट्रॉन्ग, क्या तुम्हारे घर की दीवार मजबूत नहीं है, इजंट द वॉल ऑफ योर हाउस स्ट्रॉन्ग। या फिर इसे आप बना सकते थे कि इज द वॉल ऑफ योर हाउस नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यह मजबूत है तो क्या होगा, इट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। या फिर इसे आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि इट्स स्ट्रॉन्ग, बोलचाल में आप प्रयोग कर सकते हैं इट्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वह स्कूल क्या तुम्हारा नहीं है,
सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, क्या भी लगा हुआ है नहीं भी लगा हुआ है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर नंबर में है वह स्कूल, अर्थात इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर प्रयोग करेंगे, वाक्य अंत में है लगा हुआ है तो इज भी प्रयोग होगा और नोट भी प्रयोग होगा, तो इज प्लस नोट क्या आ जाएगा एजेंट। और एजेंट के ठीक बाद आपको सब्जेक्ट देना है वह स्कूल दैट स्कूल। एजेंट दैट स्कूल, ठीक है। अब देखो तुम्हारा के बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं है, अर्थात ये क्या है पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे योर्स। वह स्कूल क्या तुम्हारा नहीं है, एजेंट दैट स्कूल योर्स, ठीक है। या फिर इसे आप इस तरह से भी बना सकते थे कि इज दैट स्कूल नॉट योर्स, ठीक है, वह मेरा नहीं है, ठीक है। तो दैट इज नॉट माइन, ये हुआ सिंपल। इसे आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं दैट्स नॉट माइन, दैट्स नॉट माइन। या फिर इसे आप बना सकते हैं कि दैट एजेंट माइन, देखो वह मेरा नहीं है, ठीक है। सिंपल में आप इस तरह से बना सकते हैं दैट इज नॉट माइन, या फिर आप बना सकते हैं दैट्स नॉट माइन, या फिर आप बना सकते हैं दैट एजेंट माइन, और मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है बीच वाला दैट्स नॉट माइन, ठीक है। इसका प्रयोग आप बोलचाल में कर सकते हैं। अब है वह उन लोगों का है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दैट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाक्य अंत में है लगा हुआ है, तो दैट इज। उसके बाद उन लोगों का, इसके बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं है, इट मींस ये क्या पोजेसिव प्रोनाउन है, तब इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे देयर्स, ठीक है। उसके बाद है क्योंकि बिकाउज, दैट इज देयर्स बिकाउज, वे उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं। यहां पर आप देखो वाक्य अंत में हैं और यहां पर वे, अर्थात सब्जेक्ट क्या आपका प्लूरल है, ठीक है। वे उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं तो क्या हो जाएगा दोज आर, अब उस विद्यालय के विद्यार्थी द स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल, वह उन लोगों का है, दैट इज देयर्स, क्योंकि बिकाउज वे उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, दोज आर द स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल। यहां पर मैंने स्टूडेंट्स क्यों दिया, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं वाक्य अंत में है लगा हुआ है, सब्जेक्ट भी प्लूरल है, ठीक है, और विद्यार्थी क्या है काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसे भी मैंने प्लूरल किया। अब है क्या रॉम के दोस्त इस स्कूल के विकास के लिए तैयार रहेंगे। पहले तो आप ये समझ लो कि इस स्कूल के विकास के लिए, इसे आप छोड़ दो। अब क्या बचा, क्या रॉम के दोस्त तैयार रहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, वाक्य अंत में रहेंगे लगा हुआ है तो शैल बी विल भी प्रयोग में आएगा। अब रॉम के दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं आई और वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ जनरली विल भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी विल भी प्रयोग में आएगा। तो क्या रॉम के दोस्त तैयार रहेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे विल, विल रॉम्स फ्रेंड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते थे विल द फ्रेंड ऑफ रॉम, ठीक है। मैंने यहां पर बनाया विल रॉम्स फ्रेंड। अब देखो विल पहले लिखा, फिर सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी लिखेंगे, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट तैयार रेडी। अब यहां पर जो कुछ भी मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस स्कूल के विकास के लिए, इसे आपको यहां के बाद लिख देना, ठीक है। तो के लिए फॉर, अब क्या इस स्कूल के विकास, द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्कूल, ठीक है, द
क्या राम के दोस्त इस स्कूल के विकास के लिए तैयार रहेंगे? विल राम्स फ्रेंड बी रेडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्कूल? ठीक है, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जो मैंने दोस्त प्रयोग किया है, आप चाहो तो इसके स्थान पर दे का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोज आर द स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल या फिर दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल। क्या तुम थके नहीं थे? सबसे पहली बात, वाक्य के अंत में थे लगा हुआ है, सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है, अर्थात ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाज वर प्रयोग में आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। और जैसा कि आप जानते हैं, यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ वर आता है, ठीक है, और यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है तो वर प्लस नोट क्या हो जाएगा, वरंट हो जाएगा। तो सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करेंगे, वरंट से करेंगे, ठीक है, और वरंट के ठीक बाद सब्जेक्ट देंगे यू, उसके बाद कंप्लीमेंट टायर्ड। क्या तुम थके नहीं थे? वरंट यू टायर्ड, या फिर आप बना सकते थे वर यू नॉट टायर्ड, ठीक है, इसका प्रयोग हम बोलचाल में करते हैं, ठीक है, मैं थका नहीं था तो क्या हो जाएगा, आई वाजंट टायर्ड, वाज प्लस नॉट वाजंट हो गया, या फिर आप बना सकते हैं आई वाज नॉट टायर्ड, ठीक है। यह निर्णय उन लोगों का था, सब्जेक्ट क्या है, यह निर्णय, दिस डिसीजन, दिस डिसीजन वाज देयर्स, ठीक है, क्या यह तुम्हारा नहीं था, ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यह, ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं भी लगा हुआ है, क्या भी लगा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज प्रयोग करेंगे, तो वाज प्लस नोट क्या हो जाएगा, वाजंट, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, वाजंट से करेंगे, वाजंट दिस, क्या यह तुम्हारा नहीं था, वाजंट दिस योर्स। इसे आप इस तरह से भी बना सकते हैं, वाज दिस नोट योर्स, ठीक है, यह फैसला कैसे तुम्हारा नहीं था, तो देखो कैसे लगा हुआ है, तो पहले हाउ मीन्स कैसे, तो हाउ लिख लेंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट के अनुसार हाउ के ठीक बाद भर प्रयोग करेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंटेंस निगेटिव भी है, नहीं भी लगा हुआ है, ठीक है, तो अब आप देख लो कि यह फैसला, दिस डिसीजन, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इट मीन्स इसके साथ भर सिंगुलर आएगा, वाज आएगा, ठीक है, तो हाउ वाज, वाज के ठीक बाद आपको सब्जेक्ट देना है, फिर नोट लगा देना है, दिस डिसीजन, और सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट आएगा, ठीक है, तुम्हारा योर्स। यह फैसला कैसे तुम्हारा नहीं था, हाउ वाज दिस डिसीजन नॉट योर्स, और इसे आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हैं, हाउ वाजंट, ठीक है, वाज प्लस नॉट वाजंट, हाउ वाजंट दिस डिसीजन योर्स, ठीक है, हाउ वाजंट दिस डिसीजन योर्स। अब है, तुम मेरे दोस्त हो, सिंपल है, तो यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, तुम कैसे मेरे दोस्त हो, तो कैसे, हाउ मीन्स कैसे, तो पहले हाउ लिखेंगे, और हाउ के ठीक बाद जो भर प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, वाक्य अंत में हो लगा हुआ है, सब्जेक्ट आपका यू है तो यू के साथ आर आता है, तो हाउ के बाद आर लिख देंगे, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि तुम कैसे मेरे दोस्त हो, हाउ आर लिख दिया आपने, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, तुम कैसे मेरे दोस्त हो, हाउ आर यू माय फ्रेंड। अब हम मैं तुम्हारा दोस्त हूं, ये तो सिंपल है, तो आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, आई एम योर फ्रेंड। अब है क्योंकि, बिकॉज, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहता हूं। यहां पर एक चीज मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, देखो यहां पर रहता हूं, ताहूं लगा हुआ है, तो आप ऐसा मत समझो कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। मैं आपको बताता हूं, यदि किसी वाक्य के अंत में होता है, रहता है, लगता है इत्यादि लगा रहता है
और यदि उस वाक से किसी का स्वभाव सूचित होता है तब हम एम ई आर लगाकर उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। और मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, स्पष्ट है कि जो करता है उसका स्वभाव इससे पता चलता है। तो इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो एम ई आर प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और जैसा कि आप जानते हैं कि आई के साथ क्या आता है, एम आता है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारा दोस्त हूं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहता हूं, आई एम योर फ्रेंड बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू, ठीक है। अब यह क्या रोमू की ईमानदारी संदेहात्मक है, देखो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और सब्जेक्ट क्या है, रामू की ईमानदारी, द ऑनेस्टी ऑफ रामू, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, वाक्य अंत में है लगा हुआ है, तो इट मींस इज प्रयोग आएगा, प्रयोग में आएगा, ठीक है। तो सेंटेंस की शुरुआत इज से कर लेंगे, इज, ठीक है। द ऑनेस्टी ऑफ रामू, क्या रामू की ईमानदारी संदेहात्मक है, इज द ऑनेस्टी ऑफ रामू डाउटफुल, अब आप बोलोगे कि यहां पर जो रामू की ईमानदारी है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट तो रामू की ईमानदारी है, ठीक है, बट जो मेन फोकस है वो किस पे है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, इस पर है। और जैसा कि आप जानते हो ऑनेस्टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इट मींस ये सिंगुलर हुआ सब्जेक्ट आपका, इसलिए मैंने इस प्रयोग किया, ठीक है। यह क्यों उसकी नहीं है, सबसे पहले तो वाई लिख लेंगे, क्यों लगा हुआ है, वाई मींस क्यों, अब वाई के बाद जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, चूंकि इसमें नहीं भी लगा हुआ अर्थात नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम देखते हैं यह क्यों उसकी नहीं है, सब्जेक्ट यहां पर क्या था, यह, और वाक्य अंत में है लगा हुआ है, तो दिस के साथ क्या आता है, इज आता है वर्ब के रूप में, तो वाई के बाद इज देंगे, ठीक है। अब आप देखो, आप चाहो तो इसे इज प्लस नोट को एक जगह करके इजंट लिख सकते हैं, तो इजंट इसे बना देते हैं, ठीक है, वाई इजंट। अब इजंट के ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा दिस, ठीक है, हिज, कॉम्प्लीमेंट है यहां पर पूरक वाक का, ठीक है। यह क्यों उसकी नहीं है, वाई इजंट दिस हिज, या फिर इसे आप बना सकते थे Why is this not his? कैसे? Why is this not his? ठीक है? अब यह उसका कैसे है? वाक्य में कैसे लगा हुआ है? तो पहले how लिखेंगे। Subject के अनुसार how के ठीक बाद verb आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर subject क्या है? यह, this के साथ is आएगा क्योंकि वाक्य अंत में है लगा हुआ है, तो how के ठीक बाद is आएगा, ठीक है? और is के ठीक बाद अब subject आएगा this। अब जो भी वाक्य का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, उसका हिज, या उसका कैसे है, हाउ इज दिस हिज, ठीक है। इच्छा उन लोगों की थी, क्या हो जाएगा, द डिजायर वाज देयर्स। अब आप बोलोगे कि यहां पर मैंने डिजायर के पहले द क्यों लगाया, जबकि जनरली क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम द प्रयोग नहीं करते हैं, बट यहां पर मैंने द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि यहां पर किसी पार्टिकुलर किसी विशेष डिजायर का यहां पर जिक्र है, अर्थात निश्चितता का बोध कराने के लिए यहां पर मैंने अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द प्रयोग किया, और जैसा कि आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इसके साथ मैंने वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया, ठीक है, वाच। अब है उन लोगों के दोस्त कैसे चालाक नहीं थे, सबसे पहली बात देखो यहाँ पर कैसे लगा हुआ है, हाउ मीन्स कैसे, तो पहले हाउ लिखेंगे और हाउ के बाद वर्ब आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, और जैसा कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या, उन लोगों के दोस्त, प्लूरल नंबर में है, वाक्य अंत में थे लगा हुआ है, इसका मतलब वर प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस में नहीं भी लगा हुआ है तो वर प्लस नोट वरंट हो जाएगा, तो हाउ के ठीक बाद क्या लिखेंगे, वरंट, और वरंट के ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा, उन लोगों के दोस्त, देयर फ्रेंड्स, और सब्जेक्ट के ठीक बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्या है, क्लीवर। हाउ वरंट देयर फ्रेंड्स क्लीवर, या फिर इसे आप सिंपल वे में बना सकते थे
कि हाउ वर देयर फ्रेंड्स नॉट क्लेवर, ठीक है। राज के दोस्त का स्वभाव संदेहात्मक है, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, राज के दोस्त का स्वभाव, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, द नेचर ऑफ राज फ्रेंड इज, देखो सब्जेक्ट सिमिलर है इसलिए मैंने वर्ब सिमिलर प्रयोग किया, क्योंकि यहां पर मेन फोकस किस पे है, देखो राज के दोस्त का स्वभाव, और स्वभाव क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इट मीन सब्जेक्ट का जो मेन फोकस है वो किस पे है, स्वभाव पर है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसे हम सिंगुलर मानते हैं, तो भर मैंने सिंगुलर प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, डाउटफुल, राज के दोस्त का स्वभाव संदेहात्मक है, द नेचर ऑफ राज फ्रेंड इज डाउटफुल। अब ये क्या हुआ, तुम्हारा होगा, यहां पर एक चीज आप देखो, सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है, और वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है, होगा, अर्थात विल बी, शैल बी प्रयोग में आएगा, ठीक है। तो दैट के साथ तो विल भी आएगा, तो सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करेंगे, विल से करेंगे, और विल के ठीक बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के ठीक बाद हम बी प्रयोग करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, योर्स, क्या हुआ, तुम्हारा होगा, विल दैट बी योर्स। अब है, कुछ मेरा है और कुछ तुम्हारा, यही दुनिया का तरीका है, तो समथिंग समथिंग इज माइन एंड समथिंग इज योर्स, कुछ मेरा है कुछ तुम्हारा, समथिंग इज माइन एंड समथिंग इज योर्स, यही दुनिया का तरीका है। देखो दुनिया का तरीका, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बट सब्जेक्ट यहां पर क्या है, यही, यह सिंपल वे में यह है, इसको बोलचाल में यही दुनिया का तरीका है, तो सब्जेक्ट क्या है, दिस, और वाक्य के अंत में क्या है लगा हुआ है, तो दिस इज, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब हो गया, अब कॉम्प्लीमेंट है ये, दुनिया का तरीका, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। समथिंग इज माइंड एंड समथिंग इज योर्स, दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्या तुम्हारा भाई ईमानदार व्यक्ति नहीं बनेगा, देखो वाक्य अंत में बनेगा लगा हुआ, अर्थात शैल बी विल बी प्रयोग में आएगा, और जनरली आई और वी को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी प्रयोग में आता है। सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है, क्या लगा हुआ है, प्लस नहीं भी लगा हुआ, अर्थात निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो विल प्लस नोट, और विल प्लस नोट क्या हो जाता है, विल प्लस नोट इक्वल टू वॉन्ट, ठीक है। तो यहां पर हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, वॉन्ट से करेंगे, ठीक है, और वॉन्ट के ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, वॉन्ट योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई ईमानदार व्यक्ति नहीं बनेगा, वॉन्ट योर ब्रदर, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद बी प्रयोग करेंगे, उसके बाद एन ऑनेस्ट पर्सन, क्या तुम्हारा भाई ईमानदार व्यक्ति नहीं बनेगा, वॉन्ट योर ब्रदर बी एन ऑनेस्ट पर्सन, या फिर इसे आप बना सकते थे कि विल योर ब्रदर, ठीक है, विल योर ब्रदर नॉट बी एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तुम एक अच्छे विद्यार्थी क्यों नहीं थे, यहां पर आप देखो क्यों लगा हुआ है, तो पहले वाई लिख देंगे, ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं वाई के बाद जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, वाक्य अंत में थे लगा हुआ है, और तुम यू के साथ तो जनरली वर आता है, और यहां पर नहीं भी लगा हुआ है, तो वर प्लस नोट क्या हो जाएगा, वरंट, और वरंट के ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा यू। अब जो भी कॉम्प्लीमेंट है वाक्य का जो पूरक है, एक अच्छे विद्यार्थी, ए गुड स्टूडेंट,
तुम एक अच्छे विद्यार्थी क्यों नहीं थे? Why weren't you a good student? और इसे आप चाहो तो सिंपल वे में बना सकते हैं, Why were you not a good student? ठीक है, अब मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, तो I wasn't a good student. देखो आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, ठीक है, इसे आप सिंपल वे में भी बना सकते हैं कि आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, क्योंकि बिकाउज मैं शारीरिक रूप से कमजोर था. यहां पर पहले आप देखो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वाक्य के अंत में था लगा हुआ है, भर्म यहां पर क्या आएगा, वाज आएगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वाज आएगा. अब सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, अब क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट, शारीरिक रूप से कमजोर, फिजिकली वीक. आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट बिकॉज आई वॉज फिजिकली वीक, ठीक है, ये क्यों तुम्हारे नहीं होंगे, क्यों लगा हुआ है, तो पहले वाई लिखेंगे, ठीक है. अब सब्जेक्ट के अनुसार भर्ब आएगा वाक्य वाई के बाद, ठीक है, वाक्य के अंत में होंगे लगा हुआ है, इट मीन शैल बी विल बी प्रयोग में आएगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट ना तो मैं है और ना ही हम लोग है, इट मीन विल बी प्रयोग में आएगा, ठीक है, और वाक्य में यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, तो विल प्लस नोट क्या हो जाता है, वोंट हो जाता है, तो वाई के बाद वोंट लिख लेंगे, ठीक है, वाई वोंट. अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ये दीज, वाई वोंट दीज, ये क्यों तुम्हारे नहीं होंगे, वाई वोंट दीज बी योर्स, इसे आप चाहो तो सिंपल वे में भी बना सकते हो कि why will these not be yours, ठीक है, why will these not be yours, ठीक है. अब है क्या राम के दोस्त के भाई का बेटा, देखो यहां पर जो सब्जेक्ट का मेन फोकस है वो इस पे है, बेटा, राम के दोस्त के भाई का बेटा, मेन सब्जेक्ट यहां पर ये है, ठीक है, तो इसके साथ और वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है, बनेगा लगा हुआ है, शैल बी विल बी प्रयोग में आएगा, आई और वी को छोड़कर हम क्या प्रयोग करते हैं, विल बी प्रयोग करते हैं, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर विल बी प्रयोग में आएगा, और नहीं भी लगा हुआ है तो विल प्लस नोट क्या हो जाएगा, वोंट हो जाएगा, ठीक है. सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस की शुरुआत वोंट से करेंगे, वोंट आ गया. अब इसके बाद पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट बहुत लंबा है इसमें, राम के दोस्त के भाई का बेटा, ठीक है, तो पहले का बेटा, तो द सन ऑफ, ठीक है, फिर के भाई, द ब्रदर ऑफ, अब किसका, राम के दोस्त, राम्स फ्रेंड, राम्स फ्रेंड. अब आप देखो सब्जेक्ट पूरा आ गया, वोंट द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ राम्स फ्रेंड, ठीक है. अब जब वोंट प्रयोग में आ गया, सब्जेक्ट पूरा प्रयोग में आ गया, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो यहां पर तो केवल विल प्लस नोट लगा हुआ है, बी कहां गया, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद बी आएगा, ठीक है. अब क्या है, एमपी, तो एमपी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वोवेल साउंड होता है, ठीक है, और एमपी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले एन लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन एमपी, एन एमपी, ठीक है. क्या राम के दोस्त के भाई का बेटा एमपी नहीं बनेगा, वोंट द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ राम्स फ्रेंड बी एन एमपी,